नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। मुंबई के बाद नासिक में महसूस किए गए भूकंप के झटके। ट्रेनों पर कोरोना वायरस का असर, यात्रा से परहेज कर रहे हैं लोग। अमित शाह ने कहा कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को FCRA की मंजूरी देना निर्णायक कदम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 133वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। भारतीय सेना ने फिंगर 4 के पास की चोटियों पर किया कब्जा, चीन पर सीधी नजर। आसियान देशों के 10 राष्ट्रों के राजदूतों ने की विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला से मुलाकात। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायतों की हुई कार्रवाई का अधिकतम 15 दिन में देना होगा जवाब। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत व चीन सैन्य और कूटनीतिक चैनल के जरिए लगातार है संपर्क में। चीन को रोकने के लिए हिंद महासागर में सहयोग बढ़ाएंगे भारत और फ्रांस। क्रिकेटर हरभजन सिंह से ठगी, चेन्नई के उद्योगपति ने लगाया 4 करोड़ रुपए का चूना। कोलकाता के पुलिस आयुक्त कोरोना पॉजिटिव, सहायक उप निरीक्षक की कोरोना से मौत। बेंगलुरु पुलिस ने जमीन के नीचे से पकड़ा 1350 किलो गांजा, 4 लोग गिरफ्तार। गेम ऑफ थ्रोन्स की अभिनेत्री डैम डियाना रिक का निधन, 82 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। सोनू सूद ने फिर निभाया वादा, पहुंचाई काशी के 220 नाविकों को मदद, जरूरतमंदों ने बताया सच्चा नायक। कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुई कंगना रनावत की मां। थॉमस और उबेर कप फाइनल के लिए राष्ट्रीय शिविर रद्द। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का परीक्षण रुकने पर बोला WHO, अनुसंधान में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेखक बॉब वुडवर्ड का दावा, ट्रंप ने जानबूझकर कोरोना का खतरा कम करके बताया। राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान, अफगानिस्तान से 4000 अमेरिकी सैनिकों को बुलाएंगे वापस। अमेरिकी तनाव के बीच ईरान ने शुरू किया बड़ा युद्धाभ्यास, पनडुब्बी और ड्रोन किए तैनात। कोरोना महामारी को लेकर संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, बढ़ सकती है गरीबी, भुखमरी और संघर्ष। EU संसद ने दिया करारा झटका, मानवाधिकार पुरस्कार समारोह की मेहमान सूची से हटाया आंग सान यू की का नाम। जंगल की आग से लाल हुआ आसमान, पश्चिमी अमेरिका में अब तक 7 लोगों की मौत। गुटेरस ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन करने वाले बड़े देशों को इसे कम करने के लिए दिखानी होगी प्रतिबद्धता। CPL 2020, ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने रचा इतिहास, फाइनल में सेंट लूसिया को हराकर जीता खिताब।